हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक साइड में अमेजिंग डिजाइन एक छोटे से कट पीस के साथ। ये देखिए, मैंने कागज का टुकड़ा लिया है और इसको इस प्रकार से स्क्वायर में है ये, और इस प्रकार से डबल फोल्ड कर ले और बीच से आप इसको कट कर दें। तो ये देखिए, ये एक पैटर्न बन गया है कटिंग का, तिरछा होता है जैसे हम त्रिकोण बनाते हैं उस टाइप में। ये देखिए, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। अब हम मैं आपको इसकी सहायता से ब्लाउज पे बैक साइड पे डिजाइन्स बनाना बताऊंगी। पहले हम डिजाइन्स की फरमा कटिंग करेंगे और जो नेक ड्रॉ किया हुआ है उसी नेक पे हम आपको डिजाइन्स लगाना बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी हमारी नई वीडियोज अपलोड हो तो उसके लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब देखो, ये बैक साइड है और ये फर्मा कटिंग किया हुआ है मैंने। अब मैं आपको इस पैटर्न को कैसे रखना होता है वो बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नेकलाइन पे और जो डार्क कर लो नेकलाइन पे, और इस पैटर्न को डबल कर लो। डबल करके मिडिल सेंटर पे रख लो, फोल्डेड एरिया की तरफ फोल्डेड एरिया रख करके, और आप ड्रॉ कर लो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में ड्रॉ कर लिया है। अब फिर इसको सिंगल खोल करके और इस तरह से क्वार्टर इंच की दूरी से आप इसको रखते जाएं और ड्रॉ करते जाएं ताकि आपको पता चले कि आपका नेक जो है वो कहाँ तक है और आपको कटिंग कैसे करनी है। तो इस हिसाब से आपको पता भी होना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड से इसको ड्रॉ करते हुए और नीचे की साइड से भी ड्रॉ कर लिया है पैटर्न। हमने यहाँ पे फोर पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और एक मिडिल सेंटर का पैटर्न है, टोटल 9 पैटर्न हो गए हैं। अब देखिए, हमें इसको जैसे ड्रॉ किया हुआ है वैसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे डिजाइन्स की फर्मा कटिंग होगी। इसके बाद हम इसको पेस्टिंग पे कटिंग करेंगे, और पेस्टिंग पे कटिंग करने के बाद हम इसको डायरेक्टली ब्लाउज पे लगाएंगे। बहुत ही सुंदर सिंपल डिजाइन्स के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि आप भी कभी भी अपने किसी भी लाइनिंग के ब्लाउज में घर बैठे, सबसे सरल डिजाइन है ये, घर बैठे सभी बच्चियां सीख सकती हैं और अपने घर में इसे बना भी सकती है, क्योंकि बहुत सरल तरीका मैंने इसमें आपको बताया है। कोई भी बहन देखेगी तो इसको बना भी पाएगी। अब ये देखिए, ये बीच साइड में फोल्डेड होना चाहिए। ये देखिए फोल्डेड है, और यहाँ पे हम ये फोल्डेड एरिया रख देते हैं। अब यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आलपिन लगा करके इसकी कटिंग कर लीजिए। तो देखो, मैंने कटिंग कर ली है आलपिन लगा करके, और ये देखिए, ये हमारा नेक जो है यहाँ पे कटिंग होके तैयार है। ठीक है, अब हम इस कपड़े पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मैं अपनी डिजाइन्स के पैटर्न पे और एक एक स्टिचिंग लूंगी। तो यहाँ पे मैं एक एक सिलाई ले रही हूँ पूरे नेक लाइन पे और इस पैटर्न पे। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे पूरी जो पैटर्न्स के ऊपर है स्टिचिंग है वो ले ली है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको हमारे डिजाइन पसंद आए, अच्छी लगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं होता है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है बीच का, बिल्कुल नेकलाइन के पास पास से हम कटिंग कर लेते हैं। कुछ भी आपको क्वार्टर इंच भी एक्स्ट्रा छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको बिल्कुल पास से कटिंग करेंगे और यहाँ पे हम क्वार्टर इंच छोड़ेंगे। ये जो आपको साइडें दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप क्वार्टर इंच छोड़ते हुए और बाकी का जो एक्स्ट्रा वो उनको निकाल दें। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने जो एक्स्ट्रा है वो निकाल रही हूँ और क्वार्टर इंच है वो छोड़ भी रही हूँ ताकि इसको फोल्ड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। तो बीच के जो है ना, बीच का पैटर्न का जो बीच सेंटर है उस पर कट लगाते जाइए। टोटल पैटर्न पे कट लगा करके उसको अंदर की ओर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए देखिए कैसे फोल्ड किया जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ इस प्रकार से, क्योंकि बीच में कट लगा दोगे तो आपको फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो एक पैटर्न पत्ती आपके सामने, मैं दो तीन पत्ती फोल्ड करके बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे से और आसानी से ये जो बीच का कट हो जाता है तो इसको आपको फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको एक बीच में कट लगाना होता है। तो यहाँ पे ये सब पूरी डिजाइन से जो यह फोल्ड हो जाएगी, और डिजाइन को फोल्ड होने के बाद मैं आपको बहुत ही अच्छी डिजाइन और बताऊंगी।
अभी इसकी पाइपिंग नेकलाइन में स्टिच कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा पैटर्न आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये स्टिचिंग लेने से पहले आप इनको यहाँ पे ऐसे स्टिच इनकी जो है वो ले सकते हो, तो इससे आपको जो नेकलाइन के वो अच्छी लुक आएगी। तो आप ऐसे भी इनकी जो है स्टिचिंग ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये लगा करके दिखाती हूँ कि इससे आपको जो आपकी जो नेक की है वो कौन कैसी लुक आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी लुक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आप डिजाइनर नेक जो है प्लेन में और लाइनिंग वाले पार्ट्स में बना सकते हैं। अब हमें इसकी एक एक ये वाली सिलाई बाद में लेनी होगी। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वैसे ही इस तरह से ये सब लगाते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे सारे ये सब एडजस्ट कर दिए हैं वैसे ही मैं अब इसकी लास्ट की जो स्टिचिंग है वो लूंगी। तो ये यहाँ से स्टिच आप लेते हुए इसको वो पूरा स्टिच कर लीजिए, आपका डिजाइन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्टिचिंग जो है वो ले रही हूँ। बस ये मिडिल सेंटर में आना चाहिए हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से। इसी तरह से जो सारे पैटर्न्स है वो हमें यहाँ पे स्टिच कर देने हैं। अब ये कॉर्नर है इसमें भी हम वैसे ही लगा देंगे।